200 करोड़ रुपए के विलंब बन चुके हैं आपको, ये उपलब्धि कैसी लग रही? हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। फर्स्ट टाइम हुआ है तो मुझे ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, खुश तो होंगे ही नवाज, आफ्टर ऑल 200 करोड़ के विलेन जो बन गए हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है तो मुझे ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगा। और नवाज ने अपनी फिल्म किक को लेकर ये खुशी जाहिर की मच अक्लेम्ड फिल्म द लंच बॉक्स के डीवीडी लॉन्च पर, जिसके लिए फिल्म की पूरी कास्ट निमरत कौर, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और डायरेक्टर रितेश बत्रा भी आए थे। इंटरेस्टिंगली द लंच बॉक्स में नवाज और उनके को स्टार इरफान दोनों ने खान्स के साथ काम किया है, तो क्या खान्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने से इनकी स्टार वैल्यू बढ़ी? इस सवाल पर ये था इन दोनों का जवाब। आपने शाहरुख के साथ बिल्लू में काम किया था और नवाज ने भी सलमान के साथ किक में काम किया है, तो दोनों कलाकारों से जानना चाहेंगे कि देश में अगर किसी खान के साथ आप काम करते हैं तो क्या आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, आपके लिए बेहतर रहता है, आपके करियर के लिए? हर फिल्म से जैसा फ़ायदा होता है, हर फिल्म आपको कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस दे के जाती है, एक नई दुनिया दिखा के जाती है, कुछ नए किरदार के बारे में आपको पता चलता है, नई टीम से आप मिलते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, नया एक्सपीरियंस होता है ऑडियंस को, यही फ़ायदा होता है। जिस तरह की मैंने फिल्म की और वो उसमें अलग तरीके से काम करना पड़ा एक्टर को, तो एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है जब वो अलग अलग डिफरेंट जॉनर्स में काम करता है, तो एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, और दूसरा फ़ायदा मुझे इस फिल्म से करने से अभी तक होगा तो डेफिनेटली मैं ऐसी होप कर रहा हूँ कि मेरी जो आने वाली छोटी फिल्म है उनको फ़ायदा होगा। And coming back to the film, यहाँ इन सेलेब्स ने बताया little on their real life lunch boxes. Lunch box कितने बदलते गए हैं इरफान, निमरत और नवाजुद्दीन, आप लोगों के स्कूल टाइम से लेके अभी तक कुछ क्या क्या आने लगा है डब्बे में? यार मेरे पास कभी डब्बा नहीं होता था, मेरे पास आज भी नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूँ कोई मुझे डब्बा बना के दे, लेकिन मुझे कोई डब्बा बना के देता नहीं है, मुझे फाइनली बाहर पे रिलाय करना पड़ता है, बाहर जो जो मिल जाता है, यू नो, कभी नारियल पानी, कभी ये, कभी वो। डब्बे में लेटर्स तो कभी नहीं आए, दैट मच आई कैन टेल यू। स्कूल हो, कॉलेज हो, ये पता नहीं कौन लोग लिख देते हैं, ये सब चीज़ें फैंटेसीज होती हैं, ये सब रियलिटी में कभी नहीं हुआ मेरे साथ। आई वुड लव अ लव लेटर इन माय लंच बॉक्स फॉर श्योर। मैं एक्चुअली कभी डब्बा लेके गया ही नहीं, हाथ में केले और सेब लेके जाता था मैं, जो पिक्चर में भी वही रितेश ने पिक्चर में भी वही रखा, अभी भी वही है, इतना कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया, तो अच्छा है, जितने भी फ्रूट्स वगैरह खाए जाएं तो उतना सेहत के लिए अच्छा रहता है, वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, जो बॉक्स में होता है ना वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं। तो ये रहा फिल्म द लंच बॉक्स का डीवीडी लॉन्च। कांग्रेचुलेशंस टू द कास्ट एंड क्रू ऑन द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म।